डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखे जाएं कंडीशनल से ही। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b tan c, tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b tan c। अभी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, tan a tan b tan c। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? इन अ ट्रायंगल ए बी सी, तो सिंस ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री। तो इसमें आप देख सकते हैं हम इन ए ट्रायंगल एबीसी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको प्रूव करना tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। तो यहाँ सब लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 180 माइनस c, दोनों साइड का tan ले लिया जाए तो tan a प्लस b इक्वल टू tan 180 माइनस c। tan a प्लस b इसको ब्रेक कर लें फार्मूले से, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू टेन 180 माइनस थीटा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा, माइनस टेन सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन सी, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टेन ए टेन बी टेन सी प्लस टेन ए टेन बी टेन सी, माइनस टेन सी को इस साइड मिला रहा है, तो देयरफॉर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन प्रूव बाय ट्रिग्नोमेट्रिक दैट, देन प्रूव दैट टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर, टू वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड बाई वन माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू जेड बाई वन माइनस जेड स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन अ ट्रायंगल नहीं कर रहा, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 था या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू था, तो इसमें क्या करेंगे? इसके लिए लेट एक्स इक्वल टू टेन ए, एक्स को टेन ए सपोज कर लिया जाए, वाई इक्वल टू टेन बी एंड जेड इक्वल टू टेन सी, एक्स को टेन ए सपोज कर लिया गया, वाई को टेन बी जेड को टेन सी, तो देयरफॉर यह वैल्यू इसमें पुट कर लें इक्वेशन फर्स्ट में, तो देयरफॉर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू
टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। और अभी देखें इस तरह का रिजल्ट कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 हो तब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू, इसको उस साइड में ले आ रहे हैं तो माइनस टेन सी प्लस टेन ए टेन बी टेन सी। तो टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू माइनस टेन सी, टेन सी कॉमन कर लें तो यहाँ लिख सकते हैं वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, या इस टर्म को इधर ला रहा है तो टेन ए प्लस टेन बी अपान, इसको इस साइड में लाएंगे तो वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू माइनस टेन सी। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, इसको लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टेन सी, माइनस टेन सी को लिख सकते हैं टेन वन एट्टी माइनस सी, टेन वन एट्टी माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कंपेयर कर लें तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिल गया 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी आपका कंडीशन हो गया। वैसे आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, या रिजल्ट आप प्रूव किए थे, या कब पॉसिबल है जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, तो यहाँ से आपका रिजल्ट मिल गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर टू। अब प्रूफ क्या करना है, यह तो इसको प्रूफ करने के लिए दोनों साइड में टू से मल्टीप्लाई कर लें, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर फोर टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, दो से मल्टीप्लाई कर लिया गया, या इसको लिख सकते हैं 2a ए प्लस टू बी इक्वल टू 360 माइनस टू सी, दोनों साइड में 10 ले लिया जाए तो 10 2a ए प्लस टू बी इक्वल टू 10 360 माइनस टू सी। अब इसको ब्रेक कर लें 10a ए प्लस बी के फार्मूले से, तो इसको लिख सकते हैं 10a ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी 1 माइनस टेन 2a इंटू टेन 2b इक्वल टू टेन 360 माइनस थीटा, यह हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा, यानी माइनस टेन टू सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो टेन 2a प्लस टेन 2b इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन 2c, और माइनस माइनस प्लस टेन 2a टेन 2b टेन 2c, प्लस टेन 2a टेन 2b टेन टू सी। अब माइनस टेन टू सी को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं हम, तो टेन टू ए प्लस टेन टू बी प्लस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टेन टू सी इक्वल टू टेन टू ए टेन टू बी टेन टू सी, टेन टू ए इंटू टेन टू बी इंटू टेन टू सी। अब टेन टू ए को आप क्या लिख सकते हैं, टेन टू ए को लिख सकते हैं टू टेन ए अपान वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ऐसे टेन टू बी को टू टेन बी अपान वन माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन टू सी को टू टेन सी अपान वन माइनस टेन स्क्वायर सी, इधर वही इंटू का फार्मूला तो वही हो जाएगा, इधर इंटू हो जाएगा टू टेन ए अपन वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टू टेन बी अपन वन माइनस टेन स्क्वायर बी, इसको ब्रेक कर लिया गया टेन टू ए टेन टू बी टेन टू सी वाले फार्मूले से, और टेन टू सी को लिख सकते हैं टू टेन सी अपन वन माइनस टेन स्क्वायर सी। अब वैल्यू पुट कर लें, टेन ए को क्या सब कुछ किया गया एक्स, तो आ जाएगा आपका टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस टेन बी को वाई सपोज किया गया है तो टू टेन टू वाई अपान वन माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं टू जेड अपान वन माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड में वही रहेगा बस इन टू का फॉर्म हो जाएगा, टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई अपान वन माइनस वाई स्क्वायर
इंटू टू जेड बाई वन माइनस जेड स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखे जाए। नेक्स्ट इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपान साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू एट साइन ए साइन बी साइन सी, एट साइन ए साइन बी साइन सी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें एक तो लॉन्ग मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं, या रिजल्ट आपको प्रूव कराया गया है, इस रिजल्ट को भी प्रूव कराया गया, या डायरेक्ट आप रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर रहे हैं हम। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देन क्या रिजल्ट अभी प्रूव किया गया, देन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, अभी ये रिजल्ट प्रूव किया गया है। एंड साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसको क्या लिख सकते हैं, फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, इसी रिजल्ट के अनुसार एंगल टू ए है तो ए आ रहा है, यहाँ पर ए है तो ए बाई टू हो जाएगा। अब इन रिजल्ट को उसमें पुट कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, वो वैल्यू इसमें पुट कर लें तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसको आप लिख सकते हैं फोर साइन ए साइन बी साइन सी, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, और साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी को क्या लिख सकते हैं, फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब यहाँ पर फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, साइन ए को आप लिख सकते हैं हम, प्रूफ क्या करना है, एट साइन ए साइन बी साइन सी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी फोर साइन ए साइन बी साइन सी है, जबकि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी को फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन ए को लिख सकते हैं टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, साइन ए को
टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ऐसे साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम, इंटू टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, और साइन सी को लिख सकते हैं टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, अपान, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसका रिजल्ट तो यह आएगा फोर साइन ए साइन बी साइन सी, जबकि इसका रिजल्ट आएगा, इसको आप प्रूफ करके देख लेंगे नीचे वाले को, इसका वैल्यू आएगा फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें, इसको आप रिजल्ट को इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको क्या वैल्यू आ रहा है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी को सॉल्व करके यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको क्या आ रहा हुआ देख लेंगे। इसमें ध्यान देंगे, पिछला रिजल्ट हमने देखा क्या, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 देन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी, उस रिजल्ट से वैल्यू पुट कर लिया गया, जबकि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इसका वैल्यू क्या होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसको आप लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी को टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू को 90 माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, इसको ऐसे रहने दिया गया, और साइन 90 माइनस थीटा या वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा टू कॉस सी बाई टू, टोटल से कॉस सी बाई टू को कॉमन कर लिया गया, वैल्यू आ रहा है टू कॉस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ए प्लस बी बाई टू, यानी इसको आप लिख सकते हैं टू कॉस ए कॉस बी, तो टू कॉस सी बाई टू इंटू टू कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू, टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू है, तो इसका वैल्यू क्या होगा इन अ ट्राइंगल ए बी सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू इन अ ट्राइंगल ए बी सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, तो रिजल्ट इसमें पुट करेंगे इसके यहाँ पर हो जाएगा फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, फोर से फोर कैंसिल, अब साइन ए को आप लिख सकते हैं टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, साइन टू थीटा के फार्मूले से साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा है तो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा, फोर साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, सॉरी साइन टू ए को लिख सकते हैं टू साइन ए कॉस ए, ऐसे साइन बी को क्या लिख सकते हैं टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, और साइन सी को टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, टोटल अपान डिनोमिनेटर जैसे वैसे ही रहने देंगे, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, तो कॉस ए बाई टू यह कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी बाई टू इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस सी बाई टू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू एट, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, एट साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये प्रूव करना था यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, फोर एट साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, यह प्रूव करना था। नेक्स्ट इन अ ट्रायंगल ए बी सी, बल्कि ऐसे दिया है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू देन प्रूव दैट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई टू देन प्रूव दैट
साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर कास ए कास बी कास सी, फोर कास ए कास बी कास सी। यह भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसको ब्रेक कर लिया जाए साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले से, तो इसको लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी टू ए प्लस टू बी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, तो टू ए माइनस टू बी बाई टू प्लस साइन टू सी, यानी इसको लिख सकते हैं टू साइन सी इंटू कॉस सी। दो से डिवाइड कर लें इसमें, तो यह वैल्यू हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इंटू कॉस सी टोटल से, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सी, पाई बाई टू माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इंटू कॉस सी। अब साइन 90 माइनस थीटा, यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा, टू कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इंटू कॉस सी, पूरे से कुछ कॉमन हो जाएगा, टू कॉस सी कॉमन हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी यहाँ पर मिलेगा साइन सी, तो साइन सी को चेंज कर ले रहे हैं, साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, तो साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, सी को चेंज कर लिया गया, टू कॉस सी कॉमन हो गया, कॉस ए माइनस बी ऐसे ही है, यहाँ पर होगा साइन सी, तो साइन सी को आप लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, यानी यह आ जाएगा आपका टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, और वहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, उसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी, तो टू कॉस ए और कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं टू कॉस ए कॉस बी, दैट इज फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ए प्रूव करना था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। थैंक यू।